हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.4 के पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम 1, 2, 3 दी उसे फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.4 का सॉल्यूशन। ध्यान रहे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास टेंथ का ये सीरीज चल रहा है। अगर बच्चों 12.4 के पहले की एक्सरसाइजेस आपको चाहिए 12.1, 12.2, 12.3 तो आप कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है उसको चेक करिए। पिन कमेंट जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे जब आप क्लिक करोगे ना पूरा सिलेबस आपका खुल जाएगा वहाँ पर, और ऊपर जो लिंक हमने दिए वहाँ चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, और जो नीचे आपको लिंक मिलेंगे वहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। वहाँ जाके आपको सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है, आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ऑनलाइन बच्चे आए हैं तैयार है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है अ सॉलिड मेटालिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, करेक्ट? तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एक सॉलिड मेटालिक हेमिस्फीयर है। तो ध्यान से चेक करो, एक सॉलिड मेटालिक हेमिस्फीयर है, ये देखिए एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर सभी बच्चे समझते हैं, ठीक है। इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इस हेमिस्फीयर को क्या कर दिया आपने? मेल्ट कर दिया। अब सुनो बच्चों, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब मान लो ये मेटल का बना हुआ है तो ये पूरा मेटल से भरा रहेगा, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, अब इसको मेल्ट करके जो भी फिगर हम बनाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। तो यहां पर एक कोन बना दिया जाता है ये इस तरीके से। लेट अस अज्यूम बच्चों, कोन की जो रेडियस है, कोन की रेडियस वो कैपिटल आर से हम शो कर रहे हैं, ठीक है, और कोन की जो हाइट है वो हम चलो कैपिटल एस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बस अब कुछ नहीं करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, और ऐसा करेंगे तो जो भी इन्होंने पूछा है वो आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने पूरा बच्चों उतारा नहीं, यहाँ आपको हाइट ऑफ द कोन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हाइट ऑफ द, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन को मैंने कैपिटल एच से दिखाया है, तो आपको हाइट ऑफ द कोन निकालना है। तो सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। और चेक कर लेता हूँ बच्चों, पाई की वैल्यू आपको कुछ बोला है इन्होंने कि नहीं बोला है? हाँ, पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं बोली है, यानी कि पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं बोलता है तो हम 22/7 लेते हैं, ठीक है। 22/7 हम यहाँ पर पाई की वैल्यू ले लेंगे। चलो तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो है स्फीयर का होता है, स्फीयर का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। स्मॉल आर हमने यहाँ लिखा है बिकॉज हमने हेमिस्फीयर के रेडियस को किससे दिखाया है? स्मॉल आर से, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, कैंसिल हो जाएगा, आपको कैपिटल एच निकालना है। यहाँ वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या बताइए? रेडियस ऑफ द कोन, और रेडियस ऑफ द बेस दिया है कोन का कितना, पढ़िए, रिकास्टेड इंटू राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो यहाँ आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 2/3, ओके, 2/3 इंटू आर का क्यूब। स्मॉल आर कितना है यहाँ? 8, तो 8 का क्यूब, करेक्ट। दिस इंप्लाइज 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 इंटू एच इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 8 का क्यूब, यानी कि 8 × 8 × 8। अब इसको बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ओके। वैसे भी पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया है ना, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। तो कैसे करें बच्चों? देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में 6 × 2 = कितना आ जाएगा? 12 इंटू एच, और ये 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 2 × 6 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × h, तो 12 × h इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 2/3 इंटू 8 × 8 × 8, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 12 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे नीचे ऐसे डिवाइड में आ गया, ठीक। अब 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, ओके। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल एच इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों 8 × 8 = कितना होता है? 8 × 8 = 64, और 64 × 2 कितना हो जाएगा? 100, 64 × 2 कितना हो जाएगा? 128।
ओके, और 128 इनटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 256, 2 टू द 2 8 16, 2 1 2 2 4 + 1 5, 256, ओके, तो 2 × 8 × 8 × 2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 256 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 3 9, ठीक है, तो ये आ गया, जो भी हाइट होगी आपकी सेंटीमीटर में आएगी, बस 256 को उठा के आप 9 से डिवाइड यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है बच्चों, आइए कोशिश करते हैं डिवाइड करने की, देखते हैं कितना आंसर आता है, पॉइंट्स में ही लाना पड़ेगा ऑब्वियसली, 256 और डिवाइडेड बाय 9, तो 9 2 18, 9 3 27, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, तो 25 - 18, 15 - 8 7, और यहाँ 1 - 1 0, फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 8 72, ओके 6 - 2 4, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, और 9 3 27, 9 4 कितना होता है 36, तो 9 4 हो गया आपके पास 36, 40 - 36 4, पॉइंट की हेल्प से 0, फिर 9 4 कितना आ जाएगा 36, फिर देखो बच्चों यहाँ पर फिर से पॉइंट की हेल्प से 0, फिर से 4 आएगा, है ना, तो कितना आ गया आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28.444, अब देखो लास्ट में क्या है 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28.44 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट 28.44 सेंटीमीटर, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस 11 मीटर × 6 मीटर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ओके बच्चों, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, अच्छा देखो बच्चों रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कैसा होता है, सोचो क्यूबॉइडल शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का है ना, तो रेक्टेंगुलर जो टैंक होगा आपका कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर टैंक स्टूडेंट्स बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, अब सुनो बच्चों इस रेक्टेंगुलर टैंक का जो बेस है वो कितना है 11 मीटर × 6 मीटर, इसका क्या मतलब है पता है, इसका क्या मतलब है कि ये जो बेस है, बेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर टैंक का बेस जो है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये जो बेस है बच्चों ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान से चेक करो ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का आपको एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 11 मीटर, ठीक है, ये लेंथ हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी लेंथ, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, या विड्थ आप बोल सकते हो कितनी हो जाएगी 6 मीटर्स, करेक्ट। अब सुनो बच्चों एक बात बताऊँ, वॉल्यूम का एक नया फॉर्मूला बताऊँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, सोचो रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर टैंक का नहीं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सोचो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता हो, ठीक है, अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, ये बेस का एरिया ही तो होता है, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, ये हम लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम का एक फॉर्मूला क्या आ गया बेस एरिया इंटू हाइट, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है, मतलब अगर आपको समझो कहीं पर अगर ऐसा सर्कुलर कंटेनर भी दिया हो तो सर्कुलर कंटेनर का अगर आप बेस को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कुलर कंटेनर है, ठीक है ना, तो बच्चों मान लो इसकी हाइट कितनी एच, अगर इसको टोटल वॉल्यूम आपको चाहिए तो बेस एरिया इसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो हमारे पास टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक, ये कहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, तो इस पर पानी कहाँ तक भरा हुआ है ओनली 5 मीटर तक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स टैंक तो भाई कितना भी ऊंचा हो सकता है उसमें मतलब नहीं है, पानी कहाँ तक भरा हुआ है ये आपको चेक करना है, ठीक है, तो सपोज ये वाटर लेवल यहाँ तक है इसका, ये कुछ इस तरीके से इसका वाटर लेवल है, ठीक है, तो ये निचले पोर्शन में यहाँ पे पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, तो बताइए बच्चों इसमें पानी कौन से लेवल तक भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है सपोज पानी कहाँ तक एच हाइट तक, कितनी हाइट तक, ये वाला पॉइंट एम है अगर, तो ये देखिए ये एम से लेके सॉरी सी से लेके एम तक, ये बेस सी मतलब ये बेस है इसमें कितनी हाइट एम सी हाइट तक, यानी कि एम सी को हमने एच बोल दिया, ठीक है, तो इतने हाइट तक इसमें वाटर भरा हुआ है, करेक्ट। अब ये हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने हमें 5 मीटर, कि भाई 5 मीटर हाइट तक इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान से सुन लो, रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा हूँ, ना, रेक्टेंगुलर टैंक अगर मैं वॉल्यूम आपसे पूछता तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये टोटल हाइट हो जाती है आपकी, टोटल हाइट से मुझे मतलब नहीं, मेरे को केवल उतनी हाइट से मतलब है जितने हाइट में वाटर भरा हुआ है, तो इतनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर
वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक इज गिवन बाय, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टैंक में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, ध्यान चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना है लेंथ, कितना है 11 मीटर इंटू ब्रेथ, कितनी 6 मीटर इंटू हाइट, कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक। अब क्या किया गया, आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इफ द वॉटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मतलब इस टैंक में जितना भी पानी है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, किसमें ट्रांसफर कर दिया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, और ये सिलेंड्रिकल कंटेनर बच्चों कितना लंबा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें पानी सपोज कहाँ तक आता है, पानी इसमें सपोज कहाँ तक आता है, एच हाइट तक, ठीक है। तो ये देखिए इसकी रेडियस ऐसे दिखा देंगे, ये कंटेनर पूरा, इसके पूरे हाइट से हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसमें वाटर कितने हाइट तक आता है, लेट अस से एच हाइट तक आता है, ठीक है ना। तो ये पूरा वाटर ऐसे भरा हुआ है। अब एक बार बताओ, हम यहाँ पर आपको ये वाला सिलेंडर एक दिखा रहे हैं, सिलेंडर ए बी या पी क्यू आर एस, ठीक है, सिलेंडर पी क्यू आर एस। अब देखो बच्चों, जितना वॉल्यूम यहाँ था पानी का वही वॉल्यूम तो तुमने इसमें डाला पानी का, यानी कि सिलेंडर पी क्यू आर एस का जो वॉल्यूम होगा, भाई यहीं तक तो पानी भरा हुआ है तो बस इतना वॉल्यूम लो आप, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो इस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कोई डाउट है बताओ, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर का आपको बेस रेडियस वगैरह कुछ दिया होगा, यस, इस ट्रांसफर इनटू सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5, तो ये जो रेडियस है आपका स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट सपोज ओ है और ये वाला ओ डैश है, तो ओ से आर तक ये आपका स्मॉल रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए लेट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक, तो लेट द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक बी कैपिटल एच, पहले लिख दो आप, ठीक है। लेट यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में आप पहले लिख लीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल टैंक बी कैपिटल एच, माना कि सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर कहाँ तक आता है, कैपिटल एच तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, दोनों वॉल्यूम आपस में क्यों लगे, बिकॉज इसी को थोड़ा के उसमें डाला है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक बोला है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक नहीं बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक में कितना वाटर होगा सोचो, ये पूरा थोड़ी ना होगा, इतना ही तो होगा, तो बस इतने पार्ट का वॉल्यूम निकाल लो, कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच की जगह ये कैपिटल एच आप लोगे, ठीक है। मान लो ये पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट क्या थी, स्मॉल एच थी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम रखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम बट पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ठीक, इज इक्वल्स टू अ वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक, ये कितना वॉल्यूम था 11 इंटू 6 इंटू 5, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब पाई की वैल्यू यहां हमें नहीं दी हुई, जो पाई हम कितना रखेंगे 22.7, तो 22.7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच इज इक्वल्स टू 11 इंटू 6 इंटू 5, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, 7 बन जाए 7 और 7 5 जो 35 होता है, लेकिन ये 3.5 है, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा 0.5, करेक्ट। अब यहाँ से कैपिटल एच फटाफट हम लोग निकाल लेंगे आराम से, और कैपिटल एच किसमें आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा, बिकॉज ध्यान से चेक करो ये रेडियस किसमें था, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर ये हो गया, और इधर मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो मीटर बच जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। चलिए हाइट निकालते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बच्चों, कैपिटल एच इज इक्वल्स टू, देखिए 11 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 22, ओके, इंटू 0.5 इंटू 3.5, चेक करो कैपिटल एच के साथ ये 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 था, तो ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बच्चों हम लोगों को करना है सॉल्व,
ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, ध्यान चक्री, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर देखो यहाँ 5 बचेगा ओनली और यहाँ भी 5, तो 5 से 5 अब कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। ओके अब देखिए बच्चों, ये 2 11 सा कितना होता है 22 और 2 3 सा कितना होता है 6, फिर ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, 3 इंटू 10 हो गया आपके पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास कितना 3.5 बच गया, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो ध्यान से चेक करिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया तो यहाँ एक और 10 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ नीचे 35 बचेगा और ये 10 × 10 × 3, तो 35 बचेगा, तो 5 से जा सकता है, तो 5 7 = 35 और 5 2 = क्या होता है 10 होता है, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 × 10 = 30, 30 × 2 = 60, तो 60/7, अब 60/7 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, पॉइंट्स में आएगा ऑब्वियसली, तो 60 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए, 7 8 = क्या होता है 56, 60 - 56 = 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और 7 5 = 35, 7 5 = कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 35, 40 - 35 5 पॉइंट की हेल्प से 0, 7 7 = कितना हो जाएगा 49, 1 पॉइंट की हेल्प से 0, तो 8.57 बोल दो आप इसको, 8.57 मीटर्स बोल दो, या अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा हाइट आपका, इसको और थोड़ा सा राउंड ऑफ करो तो कितना हो जाएगा 8.57, देखो 5.57 है, 7 है लास्ट में, तो आप इसको जब 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 की जगह हम 1 ऐड कर देंगे, बिकॉज लास्ट में क्या है 5 से बड़ा है ना, तो 8.6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.6 मीटर्स, ऐसे भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल हम आंसर कैसे करेंगे, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल टैंक भी क्या, सिलेंड्रिकल टैंक भी 8.6, ओके कोई डाउट है बताइए, 8.6 मीटर्स, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, प्रोवाइडेड दैट द थिकनेस ऑफ द आयरन इज 1.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों बात समझिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, एक ओपन बॉक्स है, ओके ध्यान दीजिएगा जरा, कैसा बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर देखना है बच्चों, अगर ये ओपन बॉक्स है तो किस तरीके का होगा ये ओपन बॉक्स, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, तो समझिए जरा। देखिए जो बॉक्स है आपने जो बनाया हुआ है, ठीक है ध्यान से चेक करिएगा, ये कुछ, अब मैं तो सब यहाँ पर कॉपी पकड़ नहीं सकता हूँ बहुत सारी, मैं मोटी मोटी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तो ये होगा बेस इसका, अब ये जो बेस होगा ये आयरन कितना थिक है, कितना मोटा है आयरन, इसमें पूरा आयरन भरा हुआ है ये, तो इसकी थिकनेस कितनी 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, पूरा इसमें आपका आयरन भरा हुआ है, ठीक। फिर एक दीवार ऐसे इसके किनारे खड़ी होगी, ये थिकनेस भी कितनी है 1.5, ठीक, और एक दीवार ऐसे इसके किनारे भी खड़ी होगी, ठीक, तो ये थिकनेस भी कितनी है 1.5, एक दीवार ऐसे पीछे खड़ी होगी, ये थिकनेस कितनी 1.5, एक सामने खड़ी होगी ऐसे 1.5, लेकिन टॉप से ये क्या है ओपन है, टॉप से ये खुला हुआ है। अब सुनो, एक्सटर्नल डायमेंशंस का क्या मतलब होता है वो जरा समझिए, तो उसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, अगर कि यहाँ पे कुछ अगर पकड़ने को मिल जाता तो ध्यान से चेक करो, ये ऐसा कुछ, ठीक। एक्सटर्नल डायमेंशंस का मतलब होता है, पता है बच्चों आपको, देखो जरा ध्यान से, ये बाहर से लेके, बाहर से यहाँ से लेके पूरा ये वाली जो दीवार है यहाँ पे, ये वाली जो वॉल है, इसके बाहर वाले सरफेस तक, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई बात है ना, तो ये देखिए, एक तो मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको, चलो आप लोग इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करो कि यहाँ पे बेस ऐसे लगा हुआ है, ये वाला बेस, मैं तीन तीन कॉपी तो पकड़ नहीं पाऊंगा, तो ये बेस ऐसे लगा हुआ है, ठीक, इसको हटा रहे हैं, अब इसको देखिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब एक्सटर्नल लेंथ कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो देखो मैं मार्कर से यहाँ पे आपको लगा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थिकनेस कितनी है इसकी 1.5, तो ये थिकनेस किसकी कितनी है, ये 1.5 है, ठीक। फिर एक दीवार ऐसी है, तो एक दीवार यहाँ पे भी ऐसी वॉल, ठीक है, तो ये भी थिकनेस कितनी है बच्चों, ये वाली थिकनेस भी कितनी है 1.5 है, ठीक। तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा पता है, सोचो ये वाला पॉइंट अगर ए है और ये क्या अगर बी है और ये अगर सी है और ये अगर डी है, तो पता है तुमको ये ए से लेके डी तक ये हो गया तुम्हारा क्या एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब ये हो गया एक्सटर्नल लेंथ, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लेंथ पूरी कितनी दी हुई है, ध्यान से करो, ये एक्सटर्नल लेंथ है, एक्सटर्नल ब्रेथ है और एक्सटर्नल क्या है हाइट है, ठीक। तो एक्सटर्नल लेंथ कितनी हो गई आपकी 36 सेंटीमीटर,
ठीक। अगर मैं तुमसे इंटरनल लेंथ पूछूं तो सोचो जरा इंटरनल लेंथ क्या होगी, सोचो। ये इसके अंदर वाले सरफेस से लेके इधर जो है उसके अंदर वाले सरफेस तक की डिस्टेंस, यानी कि बी और सी की डिस्टेंस, ये होगी इंटरनल लेंथ। ठीक है, यानी कि 36 में से 1.5 इधर से माइनस करोगे, 1.5 इधर से माइनस करोगे, यानी कि 36 माइनस 1.5 और प्लस 1.5। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई 1.5 इधर से माइनस करो 1.5 इधर से, तो ये आपका BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस नहीं नहीं तो ये इंटरनल लेंथ है, बस नहीं कि नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी क्या इंटरनल लेंथ। कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 1.5 प्लस 1.5 कितना 3, 33 हो जाएगी। 1.5 प्लस 1.5 3 होता है, 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी क्या इंटरनल लेंथ। कोई डाउट है बताइए? हाँ ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से बच्चों आपकी एक्सटर्नल क्या आ जाएगी, विड्थ। तो एक्सटर्नल अब मैं लिखता चला जा रहा हूँ, लेंथ एक्सटर्नल कितनी आ जाएगी, ये दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ एक्सटर्नल ये कितनी है दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर। और हाइट एक्सटर्नल ये कितनी दी हुई है आपको 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लेंथ लिख रहे हैं कौन सी, इंटरनल, एल आई का मतलब लेंथ इंटरनल। इंटरनल लेंथ कितनी थी, 36 में से 1.5 प्लस 1.5 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो आपकी ब्रेथ होगी इंटरनल, बी आई से दिखा रहा हूँ इंटरनल ब्रेथ को, बच्चों सुनो ब्रेथ भी कितनी होगी आपकी, क्योंकि इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है, बस समझ नहीं, अरे क्यूबॉइड है ऊपर से तो खुला है, सामने भी दीवार है इधर पीछे भी दीवार है, ठीक है। जैसे सोचो आप कमरे में खड़े हो, ऊपर वाले छत को हटा दो पूरा, ओपन हो जाए ऊपर से, ठीक है, तो आपके सामने भी दीवार, आपके पीछे भी दीवार, दाएं भी दीवार, बाएं भी दीवार, ठीक है, तो सामने वाली दीवार ये पीछे वाली दीवार, इसका एक्सटर्नल जो कुछ भी होगा उसको आपने लेंथ बोल दिया, राइट वाली दीवार लेफ्ट वाली दीवार इसका जो भी एक्सटर्नल है इसको आपने विड्थ बोल दिया, बस समझ में ही नहीं, तो एक्सटर्नल विड्थ कितनी हो जाएगी 25, और 25 में से इंटरनल विड्थ जब निकालोगे तो सोचो इधर से ये वाली दीवार की जो थिकनेस है उसको माइनस करोगे, इधर से ये वाली दीवार की थिकनेस 1.5 इधर से माइनस करोगे 1.5 इधर से, बस समझ नहीं, तो टोटल कितना माइनस करोगे 3, तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कुछ बच्चे एक्सटर्नल हाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो अगर ये बॉक्स क्लोज होता, सोचो बच्चों अगर ये बॉक्स क्या होता, क्लोज होता, यानी कि नीचे नीचे से भी ऐसे हमारे पास नीचे से, तो देखो बात समझो, ये देखिए ये बॉक्स है ये ऐसे, ठीक, नीचे तो लगा ही हुआ है बेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सोचो। बट बच्चों यहाँ पर टॉप पे बॉक्स खुला हुआ, अगर ना खुला हुआ था तो इसकी एक्सटर्नल हाइट कितनी आ जाती 6.5, अगर ये क्लोज बॉक्स होता, और इंटरनल हम वैसे ही निकाल लेते, इसमें से 3 माइनस कर देते, 1.5 नीचे से 1.5 ऊपर से। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल हाइट है उसको निकालने के लिए हम 6.5 में से केवल 1.5 ही माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऊपर तो छत है ही नहीं इसके, बस इधर किनारे ऐसे दीवारें हैं, ऊपर से ओपन है, ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, अगर यहाँ से ओपन है तो इन्होंने हमें एक्सटर्नल हाइट, ये देखिए ये पूरी दी हुई है एक्सटर्नल हाइट, और ये एक्सटर्नल हाइट कितनी दी हुई है, एक्सटर्नल हाइट कितनी दी है 6.5, तो ये यहाँ से देखिए ये इतने में थिकनेस है ये आयरन की, ये देखिए बेस में ये थिकनेस है, तो बस यही थिकनेस तो आप माइनस करोगे यहाँ से, अंदर वाला जो क्यूबॉइड है उसके लिए उसकी हाइट निकालने के लिए, इंटरनल हाइट निकालने के लिए आप पूरे 6.5 में से 1.5 ही तो माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पर आपके पास 5 माइनस 5 0, और ये हो जाएगा 5.0 यानी कि 5। इसमें कोई डाउट है बताइए? अब एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या कि इसमें आयरन कितना भरा हुआ, यानी कि आयरन का वॉल्यूम बताओ, ये तो ये जो इसकी थिकनेस है यही तो आयरन है, तो सोचो क्या करोगे, बाहर वाला एक क्यूबॉइड है सोचो जिसके डायमेंशन आपको पता है, बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से किसको माइनस करोगे, अंदर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को, दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आया? हाँ, बाहर वाला जो क्यूबॉइड है ये पूरा, इसमें से अगर ये देखिए मान लीजिए इधर भी हम थिकनेस आपको चलिए दिखा ही देते हैं, ये देखिए ये कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, और टॉप से लेकिन खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये सब आयरन ऐसे भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ओके, बस अब इधर से तो दिखाई नहीं पड़ेगा वो चीज़, पर देखना हो तो यहाँ से देख लो ऐसे, ऐसे ठीक। तो सोचो ये बाहर वाले वॉल्यूम में से आप अंदर वाला हटा दो, बाहर वाले पूरे क्यूबॉइड में से अंदर वाला वॉल्यूम हटा दो, तभी तो आपको आयरन का वॉल्यूम मिलेगा। भैया अंदर जो क्यूबॉइड है ना बना, उसमें तो एयर भरी हुई है, यहाँ आयरन तो यहाँ है, इसमें इतना मोटा मोटा आयरन का वॉल ऐसे बना हुआ है, बात समझे? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड माइनस अंदर वाला क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आयरन, बात समझ में आई कि नहीं?
आयरन ने कितनी जगह घेरी हुई है, सोचो बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अंदर वाला माइनस करोगे वही तो आपको मिलेगा, किसका, आयरन का वॉल्यूम, कोई डाउट है बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड, एक्सटर्नल क्यूबॉइड माइनस, अब देखो जैसे हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड, तो जब एक्सटर्नल क्यूबॉइड की बात करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्या आयरन भी आ जाएगा और अंदर की हवा भी आ जाएगी, बस समझ नहीं, ये आयरन जो भरा हुआ है और अंदर की हवा भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, उस सब कुछ में से अंदर की हवा को हटा दो, अंदर की हवा कहाँ है, अंदर वाले क्यूबॉइड में, उसको हटा दोगे तभी तो आपको आयरन का वॉल्यूम मिलेगा, बस समझ नहीं कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इंटरनल क्यूबॉइड, ठीक। बस अब वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड तो आराम से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्सटर्नल क्यूबॉइड की कितनी है 36 × 25 × 6.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ऑब्वियसली सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूब में हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कौन से क्यूब की, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है सॉरी, कौन से क्यूबॉइड की, अंदर वाले क्यूबॉइड की, लेंथ कितनी है 33, ब्रेथ कितनी 22, हाइट कितनी है 5, हाँ कुछ कह रहे हो क्या, हाँ हाइट जो है वो कितनी है, ओहो हो यहाँ हमसे गलती हो गई कॉपी करने में, अच्छा आपने बता दिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता, अभी आंसर नहीं मैच करेगा, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये 16.5 थी ना हाइट एक्सटर्नल वाली, कोई बात नहीं, 16.5 में से आप 1.5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा ये 16.5 - 5 = 0, 15 - 15, ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, अब सही है, ओके हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो लेंथ कितनी है 33, ओके और ब्रेथ कितनी है 22, और हाइट कितनी है इंटरनल वाले की 15 है, अच्छा यहाँ पे आप 16.5 कर लीजिए एक्सटर्नल में, ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए, बस अब इसको बच्चों सॉल्व करिए, अब इसमें करना क्या है, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास बच्चों आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से पॉइंट हटा दें, 10 आ जाएगा, तो 5 × 5 = कितना होता है 25, और 5 × 2 = क्या होता है 10, 2 × 1 = और 2 × 18 = कितना हो जाएगा आपके पास 36, तो ये हो गया 18 × 5 × 165 कर लीजिए कहीं पे, बस बच्चों इसमें कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 30 + 2 = 32, 3 5 × 5 + 3 = 8, तो ये हो जाएगा 825, ठीक है 825, और माइनस 33 × 22 × 15, तो 33 × 22 पहले कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 6 + 6 = 12, 1, और 6 + 1 = 7, 726, और ये जो 726 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 726 × 15 कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 × 6 = 30, 3 × 5 = 2 = 10, 10 + 3 = 13, 1 × 5 = 7 = 35 + 1 = 36 × 1 = 6, 1 × 2 = 2, 1 × 7 = 0, 9 + 6 + 2 = 8, 7 + 3 = 10, तो 10 8 9 0, तो 10 8 9 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और आगे कितना आ जाएगा 825 - 825 × 18, तो 825 × 18 कर लीजिए, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16 + 4 = 20, 2 × 8 = 64, 64 + 2 कितना आ जाएगा 64 + 2 = 66 × 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2 और 1 × 8 = 8, 0 × 5 = 6 + 2 = 8 और 8 + ये हो जाएगा 14, तो कितना आ गया 14850, ठीक है -10890, बस माइनस कर दीजिए, तो 14850 में से हम क्या माइनस करना है 09801, तो 0 - 0 = 0, 15 - 9 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 7 बचेगा 17 - 8 = 9, और यहाँ बचेगा आपके पास क्या 3 - 0 = 3, 1 - 1 = 0, 3 - 9 = 6, 0, तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, आयरन का वॉल्यूम आ गया, अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, आंसर फर्स्ट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द, इन्होंने हमसे क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, ओके। अब शुरू में पूछा था हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, तो आंसर इज
3960 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स ऑफ द डायमेंशन दिस 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 दिस। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इफ वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 7.5 ग्राम, मतलब समझते हो, वन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो भी आयरन है उसका वेट कितना है, वेट उसका 7.5 ग्राम है। तो बहुत ईजी, अगर एक सेंटीमीटर क्यूब का आपको वेट दिया हुआ है तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 है तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वेट ऑफ आयरन इज गिवन बाय व्हाट, 3960 इनटू 7.5। तो इसको देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। एक चीज़ मैं और सभी बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर वेट ऑफ द आयरन मैं कैसे निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम कितना है आयरन का, 3960 सेंटीमीटर क्यूब इनटू ये जो लिखा हुआ है 7.5 ग्राम, इसका क्या मतलब है, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब का क्या है वेट है, तो 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब देखिए कैंसिल हो गया, आंसर आपका किस में आएगा, ग्राम में। ठीक है, तो वेट आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, 7.5 का यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 75 इंटू 396 ग्राम, यानी कि 396 इंटू 75 ग्राम। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 396 यहाँ पे करते हैं, 396 इंटू क्या करना है, 75। ओके, तो 5 6 30 3 जाएगा, 5 9 45 प्लस 3 48 4 जाएगा, 5 3 15 15 प्लस 4 कितना होता है 19। ओके, इंटू अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 7 6 42 4 7 9 कितना होता है 63 प्लस 4 67 हो जाएगा 6 7 3 21 21 प्लस 6 कितना होता है 27 08 प्लस 2 10 बन जाएगा 10 प्लस 7 17 बन जाएगा यहाँ 9 29700 क्या 29700 ग्राम। अब बच्चों देखो, किसी को आप बोलोगे तो ऐसा अच्छा तो लगेगा नहीं, कोई पूछेगा भाई एक बार बताओ वेट कितना है आयरन का, तो बोल रहे हैं 29700 ग्राम, लिख सकते हो आप, अरे किलोग्राम में कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 29700 को 1000 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, और 297 को 10 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा 29.7 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक, तो वेट ऑफ द आयरन इज 29.7 किलोग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज इज 3960 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप। आपने फाउंटेन पेन देखा हुआ है, ठीक है, फाउंटेन पेन बच्चों कुछ इस तरीके का होता है शेप का, ऐसा। ठीक है, ये इसका बैरल है, बैरल मतलब जहाँ पे इंक भरी जाती है ना, तो ये जो बैरल है जिसमें इंक भरी जाती है, थोड़ा मैं पेन आपको बड़ा करके दिखा दूँ तो आपको चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, ये बैरल, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे निब होती है फाउंटेन पेन की, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से आप लिखते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो बैरल है इसका शेप सिलेंड्रिकल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप, तो बस बैरल आप चेक करिए, ये वाला बस बैरल चेक करिए, निब नहीं चेक करो आगे की, ये नहीं चेक करो, ठीक है, ओनली बैरल। तो इस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ध्यान से चेक करिए, सिलेंड्रिकल है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लेंथ कितनी है बैरल की, 7 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, ये 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद 5 mm इन डायमीटर। अब देखो बच्चों, ध्यान से चेक करो, इसका डायमीटर कितना है, सही से बना देते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, ये ऐसे, तो इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर क्या है, 5 mm। ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चों यहाँ पर आप डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हो। अच्छा एक काम करो, इससे पहले, हाँ चलो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना आ जाएगा, 5 / 2, भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस आ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम वॉल्यूम का खेल तो हो गई, तो हमने यहाँ पर रेडियस इसका निकाल लिया, कितना आ जाएगा 5/2। चलो 5/2 ही इसको करके, 5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, क्या यूनिट क्या है, मिलीमीटर, mm। अब आपने अपनी स्केल देखी होगी, ये स्केल आप अपनी उठा के देखिए, ठीक है, तो ये स्केल जिससे आप काम करते हो, तो इसमें 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10
10 सेंटीमीटर बाई 10 mm है, 1 सेंटीमीटर तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 बाय 10, ठीक है, यानी कि 2.5 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 बाय 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो। मोटी मोटी बात बताऊँ, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो 10 से डिवाइड करते हैं, बात क्या है, सेम है। तो उसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो रेडियस को, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो मिलीमीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अब बताओ जब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट एक प्लेस और लेफ्ट में आ जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से करें, भाई पॉइंट हटा दो नीचे जीरो हो जाएगा। बताओ 25/100 क्या होता है, 0.25 ही तो होता है, यानी कि रेडियस कितना हो गया, इस बैरल का रेडियस कितना हो गया, 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों कर लिया भाई, अभी वॉल्यूम वॉल्यूम का खेल होगा तो हाइट का जो यूनिट होना चाहिए वही आपका किसका होना चाहिए, रेडियस का। तो दोनों को हमने सेंटीमीटर में कर लिया, मतलब हाइट तो है ही सेंटीमीटर में और रेडियस मिलीमीटर में आ रहा था तो उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 से डिवाइड करके, बात समझ में है कि नहीं। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन इज यूज्ड अप ऑन राइटिंग 3300 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। बच्चों समझो, कह रहा है कि जब हम इसमें एक बार इंक पूरी फिल कर लेते हैं ना, इसमें बैरल में ड्रॉपर से डालते होंगे या जैसे भी डालते होंगे, ठीक है, तो इसमें जब हम इंक फिल कर लेते हैं तो ये कितने वर्ड्स लिखता है ऑन एन एवरेज, 3300 वर्ड्स, ओके 3300 वर्ड्स लिख देता है, ठीक। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन द बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। बच्चों सुनो सुनो, एक आपके पास इंक की बॉटल है, आइए जरा इंक की बॉटल बना लेते हैं, ये इंक की चेल पार्क वैसे तो नाम होता था कंपनी का हम लोग जब छोटे थे, तो ये देखिए ये बॉटल है बच्चों, इंक की बॉटल है, ठीक, ये क्या है आपकी बॉटल ऑफ इंक, ओके, तो ये बॉटल ऑफ इंक है। अब ध्यान से करो बच्चों, इस बॉटल ऑफ इंक में कितना इंक है, मान लो ये पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है लेकिन इसमें कितना इंक है, पढ़िए जरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर, ऑफ अ लीटर, आ लीटर का मतलब क्या होता है, आ का मतलब क्या होता है, वन, यानी कि वन लीटर, वन लीटर का हमको कितना पार्ट लेना है, फिफ्थ पार्ट, पढ़ लो बच्चों, ये जो बॉटल ऑफ इंक है ये कितना इंक कंटेन करती है, इसमें कितना इंक है, कंटेनिंग 1/5 ऑफ 1 लीटर, तो देखिए 1/5 ऑफ का मतलब इंटू 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर का 1 बाय 1 लीटर का फिफ्थ पार्ट, 1 बाय 5 क्या होता है, फिफ्थ पार्ट, 1/5 ऑफ 1 लीटर, 1/5 का मतलब 1 बाय 5 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू 1 लीटर, तो कितना आ जाएगा 1 बाय 5 लीटर। अब सुनो, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया वो इस तरीके से सोच लो कि भाई एक लीटर है हमारे पास, एक लीटर के हमने पांच हिस्से किए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इक्वल पार्ट के, अरे इक्वल समझ लेना, 5 इक्वल पार्ट्स में से हमें कितना पार्ट लेना है, ओनली 1, ये मतलब है इसका, और 1/5 ऑफ अ लीटर का मतलब हो जाएगा 1 बाय 5 लीटर ही इसका मतलब, बच्चों बात समझे नहीं, तो यहाँ पर 1 बाय 5 लीटर, 1 बाय 5 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, चेक करो 1 बाय 5 का मतलब क्या होता है, 1 को डिवाइड करो 5 से, करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा, ये 1 को 5 से डिवाइड करो, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 टू ज़ा 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, सही है ना, 0.2 आ जाएगा, नहीं 0.2 लीटर्स, चलो करना हो तो कर लो पॉइंट में जा, उससे कुछ रहा नहीं, तो 1 बाय 5 का मतलब कितना हो गया, 0.2 लीटर्स। अब मेरी बात फिर से सुनो बच्चों, इस बॉटल में कितनी इंक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1/5 ऑफ अ लीटर, मतलब कितनी इंक है, 0.2 लीटर्स। अब लीटर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, लीटर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, बात समझो, बता रहा हूँ अभी क्यों, लीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, याद करिए हमने आपको बता रखा है बच्चों क्या, कि 1 meter cube इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर्स होता है, ये हमने आपको बता रखा है कई बार, ठीक है ना, यानी कि इसको आप ऐसे पलट दो अगर इस इन्फॉर्मेशन को, तो आप बोल सकते हो कि भाई 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, भाई 1 meter cube 1000 लीटर है तो 1000 लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 meter cube, सही है ना, 1 meter cube का मतलब क्या होता है, 1 meter into 1 meter into 1 meter, 1 into 1 into 1 meter into meter into meter meter cube। अब ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1 meter 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर और 1 meter की जगह 100 सेंटीमीटर और 1 meter की जगह 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 100 into 100 into 100
100 × 100 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 लीटर्स में कितने हो गए, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 लीटर्स में इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गए, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1000 से 1000 जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। अब तो कितनी बार करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, तो मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो याद हो गया होगा आपको कि भाई 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये 2 जीरो यहाँ से कटे, 1 यहाँ से, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने आपको कई बार बताया, ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.2 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, सोचो। 0.2 को हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई चेक करो, 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हैं, तो 0.2 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 0.2 × 1000 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो बॉटल में इंक है उसका वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा यहाँ से, ठीक। कितना आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, 0 0 कैंसिल, 2 × 100 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। बस समझ में, 1/5 लीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बॉटल में कितनी इंक है, 1/5 लीटर्स बोलो, या फिर आप क्या बोलो, 200 सेंटीमीटर क्यूब, बात क्या है सेम। अब सुनो, इस इंक से, इस बॉटल से ही तो निकाल निकाल के आप बैरल में इंक डालोगे, ठीक है। अब ऐसे मान लो आपके पास n बैरल है, कितने बैरल्स हैं, n बैरल्स हैं, भाई चेक करो ना, इससे इंक निकाल निकाल के आप इस बैरल में डालोगे, तो ऐसे आपके पास n पेन्स हैं, सपोज n, तो सोचो वॉल्यूम ऑफ दिस इंक, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल ऑफ द इंक इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल। चेक करो ना भैया, इसी से तो खाली कर करके भरोगे ना, कितने पेन में भरोगे, मान लो आपके पास ऐसे n पेन्स हैं, स्मॉल n पेन्स हैं, तो n इंटू 1 पेन का वॉल्यूम, 1 पेन के बैरल का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बॉटल का वॉल्यूम। मान लो बॉटल खत्म हो जाती है, कितने पेन भरने में, कितने बैरल भरने में, n बैरल भरने में, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पेन, n की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएंगे कितने बैरल भरेंगे, ठीक। और 1 बैरल से कितने वर्ड्स लिख सकते हो तुम, 3300, तो n की जो भी वैल्यू आएगी, तो उतने बैरल से कितने वर्ड्स लिख लोगे, 3300 को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस समझ में आई कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ओके। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। लेट वी कैन फिल n बैरल्स, लिखेंगे हम अपनी कॉपी में, लेट वी कैन फिल, लेट वी कैन फिल मैक्सिमम, वी कैन फिल मैक्सिमम, वी कैन फिल मैक्सिमम, मैक्सिमम मान लो एक ही बैरल है, उसको n टाइम्स आप भर सकते हो, भरते हो फिर लिखते हो खत्म हो जाता है, फिर भरते हो फिर लिखते हो खत्म हो जाता है, इसमें से इंक इसमें जा रही है कि नहीं, और सपोज इसको n टाइम्स भर देते हो आप, ठीक है ना। तो लेट अस से वी कैन फिल मैक्सिमम n टाइम्स द गिवन बैरल, ओके, एंड इंक ऑफ बॉटल, एंड आफ्टर n टाइम्स, एंड आफ्टर n टाइम्स, आफ्टर फिलिंग ऑफ m टाइम्स, आफ्टर फिलिंग n टाइम्स, आफ्टर फिलिंग n टाइम्स द बैरल, ये बैरल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही मेरे से, आफ्टर, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्वेश्चन पे है, आफ्टर फिलिंग n टाइम्स द बैरल, बॉटल इंक ऑफ बॉटल, इंक ऑफ बॉटल गेट एग्जॉस्टेड, गेट एग्जॉस्टेड मतलब बॉटल की इंक खत्म हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द बैरल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल ऑफ इंक, ओके। तो यहां से देखिए, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बैरल कितना हो जाएगा, ये बैरल तो आपका, ये देखिए नाम में रख दे रहा हूं, ए बी सी डी, इसको निप को नहीं देखना, इसको मत देखो, ठीक है। तो ये बैरल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फोर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है,
रेडियस अभी भी आपने निकाला था 0.25, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 0.25 का स्क्वायर, ध्यान से करो, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, एच कितना है इसका 7, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉटल ऑफ इंक। इंक कितनी है इस बॉटल में, 200 सेंटीमीटर क्यूब अभी निकाला था आपने, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब ध्यान चेक करो, ये रेडियस भी किसमें सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, और हाइट किसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, क्योंकि एन का कोई वैल्यू, एन का कोई यूनिट तो होता नहीं, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो एन इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब देखिए 7 × 7 = 7, यहाँ से कट गया, ठीक। अब एन के साथ 22 और 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में एन इज इक्वल्स टू 200 और सेंटीमीटर हटा दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया होगा, 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22 इंटू 0.25 का स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 22 इंटू, अब ध्यान दें 0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, सही है, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ से हम कैंसिल करते हैं इससे 2 से, तो ये 11 टाइम्स जाएगा, 2 11 से 22, और 2 1 जा यहाँ कितना आ जाएगा 00, तो 100/11 आ गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि भाई दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। बात वही पड़ेगी, पॉइंट हमने चेंज कर लिया तो लफड़े हो रहे हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से करो, 25 × 25 = 100, ठीक है। 4 × 16 = 16 × 100, 1600 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1600 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11 हो गया, कोई डाउट है बताइए। अब सुनो बच्चों, एक बार बताऊँ, सुनो यहाँ पे n की जो वैल्यू आई है, ध्यान दे देना, n की जो वैल्यू आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे आई है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, समझिए जरा। देखिए n की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है आपके अभी कितनी 1600 डिवाइडेड बाय 11। अब सुनो, पता है बच्चे यहाँ पर क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर एक काम करिए 1600 को 11 से डिवाइड लगा दीजिए, पॉइंट में ले आइए। क्यों ले आए पॉइंट में, ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक होल नंबर में नहीं मिलेगा आपको, पॉइंट्स में मिल जाएगा ना कुछ ना कुछ। उन्होंने हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि भाई लगभग कितने बैरल भर जाएंगे, ये तो नहीं पूछा है। उन्होंने ये पूछा है ऑन एन एवरेज कितने वर्ड्स लिखोगे, तो सोचो भाई एन की कुछ वैल्यू हो रही होगी, लाओ मैं कैलकुलेटर से करके तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट में नहीं निकालूंगा, मेरी बात सुनो क्यों, उसका कारण है, ठीक है। जैसे कि ये 1600 डिवाइडेड बाय 11 आ रहा है, 145.45 आ रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 145.45 और आगे भी चल रहा है, ये हम नहीं लेंगे, क्यों भाई। देखो एक बार बताओ, तुमने क्या बोला होगा, जैसे तुम दूध दूध पीते हो, तो तुम क्या बोलते हो, भाई मैंने ना ढाई बॉटल दूध पी गया, ढाई बॉटल दूध मतलब दो तो पिया ही, आधा भी पी गया। कोई बोलेगा मैंने 2.4 बॉटल दूध पी गया, यानी कि 2 बॉटल तो पिया ही और थोड़ा सा और पिया, उसको हमने 0.4 बोल दिया, पास समझो, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली नंबर ऑफ बॉटल्स हमें नहीं मिल पा रहा है, नंबर ऑफ बॉटल कह रहे हैं सॉरी, एग्जैक्टली हमें नंबर ऑफ बैरल्स नहीं मिल पा रहा है, मतलब 145 बैरल तो भरेंगे ही भरेंगे, और थोड़ी सी इंक बाद में इसमें बच जाएगी जिसको उठा के हम डालेंगे, वो कितना होगा 0.45, ठीक है। नंबर ऑफ बैरल नहीं पूछा था, लेकिन हमें पता तो चल गया, हाँ भाई इतने नंबर ऑफ बैरल्स लगभग होंगे, इसका भी अपने आप में कुछ मीनिंग है कि 145 बैरल तो भरेंगे भरेंगे, थोड़ा सा और उसमें आधे से थोड़ा कम भर जाएगा, क्योंकि भाई 0.5 कितना होता है, आधा, आधे से कम 0.4, बात समझे, उससे भी तो कुछ ना कुछ लिखोगे, ठीक। अब सुनो एक बार बताओ, यही आपके नंबर ऑफ बैरल्स हैं, इसी को आप मान के चलेगा, एक बार जब आप फुल बैरल भरते थे तो कितने वर्ड्स लिखते थे 3300, तो n टाइम्स जब आप बैरल भरोगे तो कितने वर्ड्स लिखोगे, n को 3300 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरी बात एक और सुनो ध्यान से, मैंने n की वैल्यू पॉइंट्स में क्यों नहीं निकाली पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई एक बार बैरल भरता हूँ तो 3300 वर्ड्स लिखता हूँ, तो इतनी बार जब बैरल भरूंगा, जब इसको इस 3300 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से करो 11 33 को काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा ना, तो पॉइंट मिलाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज गिवन बाय ब्लू इंक, एक तो रब नहीं होती यहाँ से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम लिख सकते हैं
इज गिवन बाय ये जो एन का वैल्यू आया है, क्योंकि एन बैरल भर सकते हो और एक बार बैरल भरते हो तो कितने वर्ड्स लिखते हो, 3300 वर्ड्स, तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू 3300, एन का वैल्यू कितना है 1600 डिवाइडेड बाय कितना है 11 है, ठीक है, इंटू 3300, देखो 11 बन जाए 11, 11 थ्री जा कितना हो जाएगा 33 और ये आ गया 0, अब देखो 16 थ्री जा कितना होता है 48 और 12340 हो गए, तो 12340 हो गए, ठीक है, 480,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, कितने 480,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, बताइए कोई डाउट है स्टूडेंट्स, ओके लेट मी चेक द आंसर, कभी कभी गलत हो जाता है, 480,000 वर्ड्स, ओके बिल्कुल सही आंसर है, ओके बच्चों तो ये हो गया हमारा कितना कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ ना, हो गया ना फोर्थ, ओके तो इसको कॉपी कर लें सभी बच्चे जिनको कॉपी करना हो कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में प्रिंट कमेंट उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।